आधे नौजवान आधे बेरोजगार वो रोजगार के काबिल ही नहीं। नौजवानों के प्रति भी यह बजट बहुत ही बेरुखी का इजहार करता है। ये सरकार बहाना ढूंढ लेती है किसी भी मामले में कंपनी को मदद करने का, कॉरपोरेट को मदद करने का। तो स्किल इंडिया क्या कर रहा था? स्किल इंडिया था या किल इंडिया था? कैसे विकलांगों को, गरीबों को 3,000 प्रति महीना मिलेगा? आप जो इंटर्नशिप के लिए पैसा देंगे तो बेरोजगारों को कम देंगे, कंपनियों को ज्यादा देंगे। कॉरपोरेट की सरकार है, गरीबों के खिलाफ सरकार है। देश में खेती घाटे में है और देश का किसान लगातार लाभकारी खेती के लिए लड़ रहा है। खेती को लाभकारी बनाइए। लगातार कृषि बजट घटता चला गया है, किसानों के खिलाफ ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों के प्रति भी यह बजट बहुत ही बेरुखी का इजहार करता है। अव्वल तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें कहा गया कि आधे नौजवान आधे बेरोजगार वो रोजगार के काबिल ही नहीं है, अनएम्प्लॉयबल हैं। तो स्किल इंडिया क्या कर रहा था? स्किल इंडिया था या किल इंडिया था? वो क्या था? वो क्या था? क्यों स्कूल नहीं बनाया? और अब फिर बात हो रही है कि हम 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप कराएंगे। ये सरकार बहाना ढूंढ लेती है किसी भी मामले में कंपनी को मदद करने का, कॉरपोरेट को मदद करने का। फसल बीमा में 3 गुना ज़्यादा कॉरपोरेट को दिया गया, 1/3 किसान को दिया गया। और इसमें भी 500 कंपनियों को आप जो इंटर्नशिप के लिए पैसा देंगे तो बेरोजगारों को कम देंगे, कंपनियों को ज़्यादा देंगे। और उससे पैदा क्या करेंगे आप? अग्निवीर की तरह एक कंपनी वीर पैदा करेंगे, कंपनी वीर पैदा करेंगे। और फिर ये जो 1 करोड़ नौजवान कुछ दिन इंटर्नशिप लेकर के लौटेंगे देहात में, वे कैसे जिएंगे? आप कम वेतन पर इंटर्नशिप के जरिए आप कंपनियों की सेवा उनसे करवाना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो टैक्स जो आपने तय किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉरपोरेट की सरकार है, गरीबों के खिलाफ सरकार है। टैक्स में आप जो 60% आम आदमी है उससे आपने 60% टैक्स तय किया है, और जो रिच हैं, सुपर रिच हैं, उनसे आप मुश्किल से 2% टैक्स लेते हैं। तो कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होगा? कैसे OPS लागू होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम? कैसे विकलांगों को, गरीबों को 3,000 प्रति महीना मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन? आप सुपर रिच को लगातार छूट दे रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, इस सरकार के बजट के खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ, इसलिए कि ये बजट किसान विरोधी, छात्र युवा विरोधी, गरीब विरोधी बजट है। बजट ने जो पिछला चुनाव हुआ उस चुनाव के जनादेश का उल्लंघन किया है, उस जनादेश को पढ़ा नहीं है, और बार बार झटका लग रहा है। उपचुनाव में भी झटका लगा, फिर भी ये बजट उसी तरह का पेश किया गया है। अभी हम थोड़ा सा एक आंकड़े की तरफ जाना चाहेंगे। लगातार कृषि बजट घटता चला गया है, किसानों के खिलाफ ये है। 19-20 में 5.44% था टोटल बजट का, 21-22 में 5.8% हुआ, 0.8% हुआ, 21-22 में 4.26% हुआ, 22-23 में 3.84% हुआ, 23-24 में 3.20% हुआ, और इस बार 24-25 में ये 3.15% है। तो लगातार डिक्लाइन है। लगता है जैसे बैठ करके कॉरपोरेट घराने इसको कैलकुलेट करते हैं कि कृषि को लगातार पीछे ढकेलना है। और ये आंकड़े, आप लोग प्लीज, ये कोई गलत बात नहीं। जादव जी बैठिए, अपना सीट में बैठिए। देश में खेती घाटे में है और देश का किसान लगातार लाभकारी खेती के लिए लड़ रहा है। किसान कर्जे में आत्महत्या कर रहा है। MSP का जो सवाल है, MSP का एक पहली बना हुआ है, C2+50% या A2+50%। सरकार बराबर कहती है कि हम लाभकारी दाम दे रहे हैं, लेकिन C2+50% स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी उसमें परिवार का श्रम भी और जमीन का किराया भी। इसलिए खेती को लाभकारी बनाइए। किसानों की लंबित मांग जो है, जिसके साथ आपने समझौता किया है, उसको आप लागू करिए।
आपने लिखित दिया है बजाबता सिंघू बॉर्डर पर शहीद किसानों का स्मारक बनाने का और ये तमाम चीज़ें।